नहीं करने आते। क्लास 8 दी। डी बेटा सेटल डाउन फास्ट। चलिए बेटा, सो द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन एयर, सो द बेंडिंग ऑफ लाइट विल अकर लीस्ट इन द एयर। जिसमें स्पीड ज्यादा उसमें बेंडिंग कम, ठीक है। ये कभी भी कहीं भी एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको अनदर कुछ सब्सटेंसेस में भी क्या दी जाएगी, लाइट की स्पीड। तो आप कैसे चेक करोगे कि किसमें बेंडिंग ज्यादा है और किसमें बेंडिंग लीस्ट है? यू जस्ट चेक द स्पीड ऑफ लाइट। जहां पर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, अगर इफ आई आस्क अमंग फ्रॉम वाटर एंड ग्लास, इन विच केस द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, इन वाटर और इन ग्लास? वाटर वाटर, बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। सो ठीक है, चलिए। तो ये हमने कल कुछ चीजें डिस्कस कर ली थी। रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, क्या आपने डेली लाइफ में इसको कभी देखा है? आर यू एवर सीन रिफ्रैक्शन अकरिंग इन योर डेली लाइफ? देखा कभी किसी ने? बताओ यस क्या देखा है, बोलो किसने देखा है, क्या क्या देखा है? यस 8C से कोई स्टूडेंट आओ और मुझे बताओ अपने डेली लाइफ में कौन सी एग्जाम्पल देखी, जो माइक के पास बैठे हैं बच्चे उन्हीं में से कोई बता दो मुझे। क्लास 8C। कैन बी डिस्ट्रॉय, वेरी गुड। पुट इन ग्लास ऑफ वाटर। और बताओ कितने सारे एग्जांपल्स हैं डेली लाइफ की। कॉइन इन वाटर, कॉइन इन वाटर क्या होता है? कॉइन इन वाटर में क्या होगा बोलो? अगर एक कॉइन आप पानी में डाल दोगे तो क्या होगा? कॉइन अपीयर्स लार्जर। लार्जर, ठीक है। और क्या, और एग्जांपल्स बताओ। बोलो, तो बेसिकली आपने दो चीजें ऑब्जर्व की ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। एक तो बेंडिंग अकर हो रही है, दूसरा ऑब्जेक्ट का साइज क्या दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, ठीक है। ये चीजें हो रही है चेंज, ठीक है। अब ये बड़ा क्यों दिख रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट नियरर हो जाता है। कॉइन वाला किस किसने देखा हुआ है? वेरी गुड। सी, दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर, ये दिख रहा है सबको? ये पेंसिल दिख रही है मैम तो नहीं है? पूरी पेंसिल एक जैसी है, यूनिफॉर्म पेंसिल है? यस पतली मोटी पहले से तो नहीं है? आप बताओ अब क्या दिख रहा है? क्या क्या चेंजेस दिख रहे हैं? पेंसिल बेंड हो रही है, बेंड हो रही है। और कुछ? ओल्ड और क्या दिख रहा है? लार्जर दिख रही है। लार्जर दिख रही है, टूटी हुई भी दिख रही है मुझे लग रहा है, यस ऐसे लग रहा है ना। यहाँ पे जहां से वो पानी में एंटर कर रही है, तो दो अलग चीजें हैं, एक पीछे को हो गई और एक आगे को हो गई है, यस बट ये तो ठीक ठाक है, इसको तो कुछ नहीं हुआ। बताओ ये किस फिनोमिना के कारण दिख रहा है? कुछ ऐसा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन बेटा, इट्स नॉट रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में सिर्फ एक ही मीडियम होगा, बट यहाँ पर क्या है, वी हैव टू मीडियम्स। एयर, पानी के ऊपर सब क्या है, जितने पोर्शन में पानी है वो ठीक है, यहां तक पानी,
और ऊपर क्या है यहाँ पर सर? एयर। तो लाइट रेज कैसे जा रही है? फ्रॉम एयर टू वॉटर। यहाँ पर हम पेंसिल को अगर आप एज अ लाइट रे मान लो कि लाइट रे एयर से आ रही थी और वॉटर में जाकर वो बेंड हो गई। हमने कल किया था ना, व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट विल बेंड। सेम इज हैपनिंग हियर, राइट? अब देखो ये बड़ा क्यों दिख रहा है या ये बेंड क्यों दिख रहा है? क्योंकि देखो अगर लाइट रेज एयर से वाटर में जा रही है तो कुछ लाइट रेज जो है वो वाटर से एयर में भी जा रही है, ठीक है? अब यहां पर क्या हो रही है? रिफ्रैक्शन हो रही है। जब लाइट रेज वाटर से एयर में जाएंगी तो दे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दूर जाकर मीट करेंगी, ठीक है? आपकी बुक में अच्छे डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं दिया हुआ ये कॉन्सेप्ट, ठीक है? ये क्या चीज है? जैसे कि ये ग्लास है, इसमें पानी डला हुआ है इस तरीके से, ठीक है? ये कुछ ऑब्जेक्ट आपने डाला और ये आपको कैसे दिख रहा है? ये था तो सीधा, पर पानी में जाने के बाद आपको कैसे दिखने लग गया? ये मोटा What is not clearly visible? What is not visible? बोर्ड विजिबल नहीं है, ठीक है? मैं जूम आउट कर रहा, अभी ठीक है? Yes. बट एक्चुअल में तो पेंसिल ऐसे ही है ना, मतलब पानी के अंदर है तो ऐसी हमें दिख वैसे नहीं है। इट मींस लाइट रे क्या हुई? बेंड हो चुकी, ठीक है बच्चे? इट इज हैपनिंग ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है? व्हेन लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर और रेयरर टू डेंसर दे विल बेंड, ठीक है? पेंसिल हमें एक उस एग्जाम्पल को दिखाने में हेल्प कर रही है। नाउ आई हैव अ कॉइन, आपको ये कॉइन दिख रहा है? सिंपल नॉर्मल, ठीक है? देखो मैंने इस ग्लास में डाला तो क्या इसके साइज में कोई फर्क आएगा? एक मिनट मैं जूम कर लूं, आई थिंक ये दिख रहा है कॉइन, अप विजिबल है? Yes. इसके साइज में कोई खास फर्क नहीं दिखा, ऑल दो दिखा ही नहीं है अभी, नहीं दिख रहा ना? दिख रहा है? विजिबल है कॉइन? इसमें देखो, नहीं दिख रहा ना, पर मुझे दिख रहा है, बस बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा है कॉइन। आप ये करके देखना बेटा एक्टिविटी, ठीक है? घर पे कॉइन डाल के या कुछ भी डालकर, पानी में डालकर देखना, जब खाली होगा तो वो नहीं दिखेगा और जब पानी डालोगे तो उसका साइज क्या दिखने लग जाएगा? आपको बड़ा दिखने लग जाएगा, ठीक है बच्चे? इज दिस क्लियर? यस यस। चलिए बोर्ड दिख रहे हैं अच्छे से? यस। चलो बेटा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन। और कोई एग्जांपल रिफ्रैक्शन की डेली लाइफ में? स्विमिंग पूल का किस किसने देखा है, या कोई भी पूल या कोई भी वाटर बॉडी देखा है? तो वो क्या दिखते हैं? दे अपियर शेलोअर, वो इतने डीप नहीं वो दिखते हमें जितने कि वो एक्चुअल में होते हैं, इज इट इट? ठीक है, हाँ। जब पानी के अंदर पैर रखो तो ऐसे लगता है कि अभी यहीं पर सरफेस है, बट एक्चुअली थोड़ा डीप होता है, ठीक है? वो भी क्यों हो रहा है? दैट इज ऑल्सो हैपनिंग ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट बच्चे? समझ आ गया इतना? नेक्स्ट है बेटा हमारा टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब क्या होती है? देखिए आपने, हैव यू एवर सीन द ग्लास स्लैब? बताओ, घर में होती है हमारे ग्लास स्लैब? यस। कहाँ पर होती है बताओ?
हॉल के साथ लगी होती, जिसके घर में भी मिरर लगे हुए हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लासेस विंडोज के साथ, विंडोज के ऊपर, वो सब हमारी ग्लास स्लैब है, ठीक है। जितने भी विंडोज में मिरर लगे होते हैं दे ऑल आर ग्लास स्लैब्स, बट वो बड़े बड़े होते हैं, हमारे एक्सपेरिमेंटल पर्पज से हम थोड़ा छोटा यूज करते हैं, वो थोड़े थिन होते हैं, हमारे जो एक्सपेरिमेंट में यूज होता है वो थोड़ा थिक होता है, मोटी होती है ग्लास स्लैब, ठीक है बच्चे, समझ आया, ये क्लियर हो। अब ग्लास स्लैब है, लेट अस से दिस इज अ ग्लास स्लैब, इसका डायग्राम किस किस को बनाना आता है ग्लास स्लैब का, चलो जल्दी से बनाकर दिखाओ मुझे सभी, ग्लास स्लैब में रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट मुझे शो करो, देखें हम कितना आता है आपको रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट इन ग्लास स्लैब। चलो जल्दी से, 2 मिनट का काम है, फटाफट से बनाकर दिखाओ मुझे। चलिए चलिए अपना अपना करते जाओ बेटा, यस बच्चे एनीवन कंप्लीटेड, टीचर प्लीज आप एक बार देखिएगा, बेटा किसी को नहीं आता तो थोड़ा बहुत आप अपने टीचर्स की भी साथ साथ में हेल्प ले सकते हो, अगर किसी को थोड़ा बहुत डाउट है कि यहाँ पर क्या करना है, ठीक है। यस बच्चे डन, चलिए बेटा अब आपने चेक करने जैसे मैंने बनाया है क्या वैसा बना है सबका, अगर किसी का नहीं बना जस्ट कम इन फ्रंट ऑफ द माइक, अगर आपको डाउट है कि इसमें क्या किया गया है, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, राइट। सो दिस इज अ इंसिडेंट रे, ठीक है, ये क्या है मेरे पास एक इंसिडेंट रे है, सबसे पहले आपने ये मानकर चलना कि बस एक ही सरफेस है और इंसिडेंट रे आ रही है, यहां पर एयर है और यहां पर ग्लास है। नाउ व्हेन लाइट रे ट्रेवल, एयर क्या होता है, कैसा मीडियम होता है एयर, इट इज अ एंड ग्लास कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम। सो व्हेन द एयर अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल,
हम यहाँ पर एक नॉर्मल बना देते हैं. नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है बेटा सरफेस पे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से क्रॉस करता है. ठीक है, मैं स्केल से इसलिए बना ली ताकि आप भी एकदम एक्यूरेट बनाओ. नाउ दिस इज नॉर्मल, दिस इज द इंसिडेंट रे. एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ बनेगा मुझे ये बताइए. इज दिस पॉइंट करेक्ट, इज दिस पॉइंट करेक्ट और दिस पॉइंट इज करेक्ट? पॉइंट बी. पॉइंट बी. ठीक है, पॉइंट बी. ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या बना? एंगल ऑफ इंसिडेंस. सिमिलरली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ बनेगा बेटा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी हियर. इतना समझ आया? अगर हम यहाँ पर दो केसेस लें फिर तो आपको समझ आ ही गया ना, आई और आर. ठीक है बच्चे, फॉर द नेक्स्ट केस. अब आप ये समझिए कि लाइट रे ग्लास टू एयर जा रही है. अगर ग्लास टू एयर जाएगी तो क्या होगा? इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है, अब आपने सिर्फ यही केस समझे. ठीक है, पहले बेंड कर लें, ये तो मैंने स्ट्रेट पाथ बना दिया विदाउट स्लैब. ये डॉटेड वाले को अभी आपने कंसीडर नहीं करना है. ठीक है, डॉटेड वाले पार्ट को अभी आपने कंसीडर नहीं करना. हम पहले बेंडिंग दिखा दें इस लाइट रे की. ये लाइट रे यहां से यहां तक आई एंड देन इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल. एक्चुअल में इस लाइट रे को कैसे जाना था? इस डॉटेड पाथ के साथ. बट यहां नहीं गई वो, क्योंकि एयर से जब वो ग्लास में आई तो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई. दैट इज व्हाई इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. नाउ दिस लाइट रे इज अगेन ट्रेवलिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर. आई विल ड्रॉ वन मोर. यहां पर देखो मुझे एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस फिर से मिल चुके हैं. मैं यहां पर फिर से क्या कर दूंगी? एक नॉर्मल प्लॉट कर दूंगी. आया बेटा समझ? अगर नॉर्मल प्लॉट हुआ तो क्या हो गया? तो मुझे एक एंगल फिर मिल गया यहां पर. समझ आया? एंगल ये वाला एंगल नहीं था बेटा, इतना ही लेना आपने. रिफ्रैक्शन एंगल इज ओनली दिस मच, वो पूरा नहीं था. ठीक है, अब देखो लाइट रे जब ग्लास टू एयर जा रही है तो इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो अब एक्चुअल पाथ इसका था ऐसे. ये देखो इसका एक्चुअल पाथ था ऐसे, बट ये ऐसे ना जाकर कैसे जाएगी? इट विल मूव लाइक दिस. वो सीधा नहीं जाएगी बेटा. क्लियर हुआ? अब आपने ध्यान क्या रखना है? ये मेरा पहले से डॉटेड बना के रखने का पर्पस क्या था? कि जो आपकी लास्ट में रे होगी, इस रे को हम क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रे. इमर्जेंट रे, वेरी गुड. दिस रे इज कॉल्ड इमर्जेंट रे. दिस इमर्जेंट रे शुड बी पैरेलल टू द एक्चुअल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे. समझ रहे हो? ऐसे नहीं कुछ बना देना कि डॉटेड वाली तो यहां है और इमर्जेंट रे ऐसे जा रही है. दिस इज रॉन्ग. ठीक है, ये एक्चुअल पाथ है, इमर्जेंट रे ऐसे जा रही है, ये सब गलत है. इमर्जेंट रे एंड एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे इट शुड बी पैरेलल. समझ आया डायग्राम? सो दिस एंगल इज नोन एज, इसको आप आई टू बोल दो, सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड इसको एंगल आर टू बोल, सेकेंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. इनको आई वन आर वन और नीचे आई टू आर टू. राइट बेटा? यस. ठीक है, तो इस तरीके से आपने प्रॉपरली डायग्राम बनाना है. और एक चीज ध्यान रखनी है, कुछ बच्चे जब डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना बेटा, तो वो लाइट रे को इतना ज्यादा बेंड कर देते हैं कि आफ्टर रिफ्रैक्शन वो ऐसे निकलती है इस साइड से. तो अवॉइड दिस कंडीशन. ऑपोजिट सरफेस से इमर्जेंट रे बाहर आनी चाहिए, या इंसिडेंट रे जो का जो एक्चुअल पाथ है वो यहां होना चाहिए ऑन द बेस, इस साइड नहीं होना चाहिए. तो इंसिडेंट रे को आपने देख कर देना है कि उसका एक्चुअल जो पाथ है वो फ्रॉम द बेस ही बाहर आए. ठीक है, क्लियर हुआ बेटा ये?
चलिए, ये किस किस ने ड्रॉ कर लिया था? मेरे करवाने से पहले किस किस का हो गया था? ओनली वेरी फ्यू स्टूडेंट्स. और अभी किस किस का हो गया? किस किस ने बनाया, जिन्होंने अभी हैंड्स रेज किए? यस, क्लास 8th है. दिखाओ जरा सेकंड बेंच पे जो स्टूडेंट बैठे हैं, आके दिखाओ जरा मुझे कैमरे के सामने कैसे बनाया है. आ जाओ आपको ही बोल रही हूँ. नहीं नहीं बेटा आपको नहीं, जो ये मेरे को, हाँ ये जो पहले मूव किया था जिसने. हाँ थोड़ा सा ऊपर करो पेज को. ओके ठीक है, गुड. ठीक है, इस तरीके से आपने इस डायग्राम को बनाने. हाँ जी, अब ये जो डिस्टेंस है ना बेटा, वन मोर थिंग, जो ये एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे था और जो ये हमारी इमरजेंट रे थी, इसके बीच में जो डिस्टेंस है, इन दोनों रेज के बीच में जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? लेटरल में. तो हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया. मतलब क्या कि एक्चुअल पाथ से जो चीज एक्चुअली इस पाथ से दिखनी चाहिए थी हमें, वो अपने पाथ से चीज जो है थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गई है. ठीक है, थोड़ा सा जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी हमें डिस्प्लेस्ड दिख रही है. क्लियर है? अगर आपके पास कोई नीट एंड क्लीन स्केल है, आप स्केल को भी अपनी बुक के वर्ड्स के ऊपर रखकर देखोगे ना, तो आपको जो वर्ड्स है वो स्लाइटली बिगर दिखेंगे. अगर किसी के पास है तो करके देख सकते हो. ठीक है, हल्का सा आपको जो साइज है वर्ड्स का जो है, वो थोड़ा सा स्केल से बड़ा दिखेगा. स्केल भी क्या है, एक ट्रांसपेरेंट सॉलिड सब्सटेंस है, वो भी रिफ्रैक्शन कर रहा है, और उस रिफ्रैक्शन के कारण जो वर्ड्स है वो डिस्प्लेस होंगे, जिसके कारण उनका जो साइज है, उनकी हाइट है, वो आपको बड़ी दिखेगी. राइट बच्चे, करके देखा करो ये छोटी छोटी चीजें साथ साथ में. चलिए, ये सबको क्लियर हो गया टॉपिक, समझ आ गया बेटा क्लास लैब में मेन. अच्छा, इसमें एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली है. यहाँ पर कुछ एंगल एक, अच्छा ये पैरेलल क्यों हुई है? यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है? चलो हम क्वेश्चन पे आते हैं, इस टॉपिक के क्वेश्चन कैसे आते हैं. पहला क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपको डायग्राम ही दे देंगे बनाने को, कि ग्लास स्लैब में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शो करो, उसका डायग्राम बना दो. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, उसको मार्क करो इस डायग्राम के ऊपर. तो आपको वो पता होनी चाहिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहाँ होती है. थर्ड क्वेश्चन क्या आता है, व्हाई दीज रेज आर पैरेलल, व्हाई द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द एक्चुअल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे. अगर नहीं लिखा हो तो क्वेश्चन लिखिए जरा बेटा, नोट डाउन दिस क्वेश्चन ऑन द नोटबुक्स. व्हाई इमर्जेंट रे, व्हाई इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द, इज पैरेलल टू द एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे. पॉइंट अलाउ है उसमें, ठीक है, कोई बताएगा मुझे इसका आंसर? एनीवन? चलिए आंसर पे फिर आएंगे, पहले इस चीज को देखते हैं क्या है. बच्चे यहां पर जो एंगल्स हैं, जो एंगल आई वन है इज इक्वल टू एंगल आर टू, मतलब आप क्या कह सकते हो, एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट, एंड आर क्या है, एंगल ऑफ
रिफ्रेक्शन भी बोल सकते हो, एंगल ऑफ एमर्जेंस भी बोल सकते हो, क्योंकि एमर्जेंट रे है ना, तो इसका एंगल का नाम है एंगल ऑफ एमर्जेंस। ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर यहाँ पर वैल्यू आपकी 40 डिग्री है, इफ एंगल आई वन इज ऑफ 40 डिग्री, देन एंगल आर टू शुड बी ऑफ 40 डिग्री। ठीक है बच्चे, अगर दो लाइंस में एंगल सेम है तो वो लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल। ठीक है बच्चे, समझ आया? सो दैट इज व्हाई इमर्जेंट रे एंड एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ये एंगल आई वन एंड ये एंगल आर टू, इन दोनों की वैल्यूज क्या होगी, सेम होगी। राइट बच्चे, लिखो जरा आंसर। एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एज एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज आई वन एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस आर टू, सॉरी आई टू नहीं, आर टू, दैट इज आर टू आर इक्वल दस द इमर्जेंट रे बिकम्स पैरेलल, दस द इमर्जेंट रे बिकम्स पैरेलल to the actual path of incident ray। समझ आया बच्चे, इज दिस क्लियर? टॉपिक समझ आया बेटा? इस ग्लास स्लैब में हाउ मेनी टाइम्स रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस, कौन बताएगा कितनी बार रिफ्रैक्शन हुई है? हाउ मेनी टाइम्स रिफ्रैक्शन ऑकर्स? टू टाइम। कौन कौन से सर्फेसेस पे? अगर मैं इस सर्फेस को एक्स वाई बोल दूं और इस सर्फेस को पी क्यू बोल दूं, तो कितनी बार रिफ्रैक्शन हुई, कौन कौन से सर्फेसेस पे? टाइम इज ओवर। टाइम इज नॉट ओवर बेटा, यू हैव स्टिल 15 मिनट्स। The class is, I think, till 10:30 ना? Yes. हाँ, कल भी किसी ने मुझे बोला था time over, but the class time is still 10:30. अगर आगे पीछे है तो teachers मुझे बता दें please. No. नहीं ना? हाँ चल. तो x y surface पे एक बार refraction हुई और एक बार surface p q के ऊपर refraction हुई. बेटा similarly हमारे पास prism एक device होती है. This is a prism. ठीक है? ये क्या है? प्रिज्म है। इसमें आपको कितनी ट्राइंगुलर साइड दिख रही है, ट्राइंगल्स कितने दिख रहे हैं आपको इसमें? टू टू, अभी तो एक ही दिख रहा होगा, टू कहाँ दिख रहे हैं? वन, अभी तो वन ही दिख रहे हैं। एक, हाँ तो ये आपको एक दिख रहा है, दिस इज अ वन ऑफ द ट्राइंगल, ये वन, ये पकड़ा और ये देखो ये दूसरे वाला, एक यहां पर और एक इसके पीछे। ठीक है, दिस देयर आर टू ट्राइंगल्स। और कितने रेक्टेंगल है इसमें, ध्यान से देखो, ये एक रेक्टेंगल है, दिस इज वन ऑफ द रेक्टेंगल, थ्री। हाँ, एक आपको, अब मैंने ट्विस्ट किया, एक और रेक्टेंगल आ गया और एक बार और, दिस इज द थर्ड रेक्टेंगल। तो अगर एक प्रिज्म की बात होती है तो कितने उसमें ट्रायंगुलर फेसेस हैं? टू। ये रेक्टेंगुलर, थ्री। ठीक है, सो ऐसी कोई भी शेप जिसमें तीन रेक्टेंगल हो और दो ट्रायंगल हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल प्रिज्म बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, एमसीक्यू में डाल देंगे बस ये क्वेश्चन,
अ ट्राइंगल हैव थ्री ट्राइंगुलर साइड फोर रेक्टेंगुलर साइड, कुछ भी इस तरीके से, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। ये देखो, अगर मैं इस ट्राइंगल की पर्टिकुलर की बात करूं तो आपको यहां पर कुछ एंगल बना दिखेगा, दिस इज सम एंगल। चलो यहां पर ये एक एंगल है, ठीक है। ये जो मेरे पास प्रिज्म है दिस इज, आपको ये लग रहा है कि सारी साइड्स इक्वल है इस ट्राइंगल, ऑल द साइड्स आर इक्वल। सो जिस ट्राइंगल की सारी साइड्स इक्वल हो उस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के ईच एंगल की वैल्यू क्या होती है? 60 डिग्री, ठीक है। तो इट मींस ये जो एंगल है इट इज ऑफ 60 डिग्री, यहां पर भी 60 डिग्री और यहां पर भी 60 डिग्री। इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस एंगल कॉल्ड? यस, कोई बताएगा मुझे व्हाट इज दिस एंगल कॉल्ड? अक्यूट एंगल। नहीं, अब साइंस की टर्म्स में आ जाओ। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। पता है क्या होता है, ये हमारे पास एक ऐसा प्रिज्म है जिसकी सारी साइड्स इक्वल है। कुछ प्रिज्म ऐसे होते हैं जो कि इक्विलेटरल प्रिज्म नहीं होते। कैसे होते हैं? आइसोसेलेस होते हैं, जिनमें दो साइड्स कुछ और थर्ड साइड कुछ और, ठीक है। अलग अलग तरह के प्रिज्म आते हैं, तो एंगल ऑफ प्रिज्म इज दिस वन। और इस केस में एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री, राइट। समझ आई ये चीज? हमारी लाइट रेज कहाँ से एंटर करती है? ट्रायंगुलर फेस, रेक्टेंगुलर फेस से। यहां से लाइट रेज एंटर करती है, आपने देखा होगा अपनी बुक्स में डायग्राम। यहां से अगर कोई व्हाइट ले, व्हाइट ऐसे जाएगी इस तरीके से, व्हाइट रे एंटर करेगी एंड देन इट स्प्लिट्स इनटू डिफरेंट कलर्स। यहां से जाएगी और यहां से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स बाहर आएंगे। गई एक व्हाइट लाइट और निकली मल्टी कलर की लाइट, ठीक है। ऐसी क्या खासियत है प्रिज्म के अंदर जो कि उसने व्हाइट लाइट को उसके डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट कर दिया? आपने देखा है अपनी बुक्स में, हैव यू सीन लाइक दिस? ये क्या हुआ? व्हाइट लाइट गई, दिस इज व्हाइट लाइट, एंड ये जो बाहर आ रही है सब क्या है? डिफरेंट डिफरेंट मल्टी कलर की लाइट। कितने कलर्स की लाइट होगी ये वाली? सेवन। ओके, कैसे याद रखते हैं हम इन सेवन कलर्स को? विव प्योर से, वी का मतलब वायलेट है ना, आपको पता है। सबसे टॉप पे कलर कौन सा होता है? रेड। रेड प्रिज्म ने स्प्लिटिंग क्यों की? व्हाई प्रिज्म स्प्लिट द लाइट? यस, ये हमारे पास प्रिज्म है, ठीक है। ये लाइट रे गई इस तरीके से, जैसे ही व्हाइट लाइट यहां पर हिट करेगी, अच्छा इसमें क्या नॉर्मल बनेगा बताओ? नो। क्यों नॉर्मल क्यों नहीं बनेगा? हमारे पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है और एक सरफेस भी है। जो नॉर्मल होगा वो इस सरफेस के ऊपर क्या होगा? परपेंडिकुलर, तो वो इस तरीके से आएगा नॉर्मल। yes. बनेगा, ये मेरा नॉर्मल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ बनेगा बेटा? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एक क्वेश्चन आता है और ये डेफिनेटली बनेगा आपका एक क्वेश्चन। आपको डायग्राम मिल जाएगा और आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस मार्क करने को बोला जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, रिफ्रेक्शन हमेशा नॉर्मल के साथ बनते हैं। देखो अगर मैं इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखूं तो ये मेरी इंसिडेंट रे, क्या ये नॉर्मल है? ये वाली साइड नॉर्मल नहीं, तो ये एंगल मेरा रॉन्ग है। मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में होना चाहिए। सो दिस इज माई इंसिडेंट एंगल, राइट। नाउ सी द एक्चुअल पाथ ऑफ द रे इज दिस, बट दिस लाइट रे विल बेंट एट दिस पॉइंट। अगेन मुझे एक इंसिडेंट पॉइंट मिला,
आई कैन ड्रॉ नॉर्मल अगेन. अब ये नॉर्मल फिर से बना सकते हैं, ये नॉर्मल एन वन और ये नॉर्मल एन टू. अब लाइट रे देखो कैसे जा रही है फ्रॉम ग्लास टू एयर. इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. नॉर्मल के साथ जाती तो कैसे जाती, टूवर्ड्स आर नॉर्मल ऐसे. बट लाइट रे ऐसे नहीं जा रही, कैसे जा रही है नीचे की तरफ. और नीचे की तरफ जाने का रीजन एक और है, प्रिज्म की एक पर्टिकुलर शेप. ठीक है बच्चे, प्रिज्म की शेप के कारण भी वो टूवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन बेंड हो रही है. राइट बच्चे, सो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस दिस इज आर वन, दिस इज आर टू, दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस. ये जो है एंगल ऑफ प्रिज्म, ये चीजें मार्क करो बेटा पहले आप. ड्रॉ कीजिए जरा इसको जल्दी से. ए मीन्स एंगल ऑफ प्रिज्म, ए मीन्स एंगल ऑफ प्रिज्म. हो गया बच्चे कंप्लीट इट. वन थिंग मोर, इफ देखो दिस इज द इमर्जेंट रे. अगर मैं इस रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करूं लाइक दिस, आई गेट सम एंगल ओवर हेयर. इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन. डी इज द एंगल ऑफ डेविएशन. राइट बच्चा, चलिए बच्चे क्वेश्चंस निकालिए जरा. क्वेश्चन नंबर थर्ड से देखते हैं एक बार. क्वेश्चन नंबर थर्ड रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन वाले टॉपिक से. द एंगल बिटवीन, निकाल लो निकाल लो, वर्कशीट ले लो. चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड. द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इन द ग्लास स्लैब इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. हाँ जी बेटा, ये तो सिंपल सा मार्क कर लो. फोर्थ क्वेश्चन, इफ अ रे ऑफ लाइट एंटर्स अ ग्लास स्लैब परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, व्हाट हैपेंस टू द पाथ ऑफ द रे इनसाइड द स्लैब. अगेन मार्क दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट. द क्वेश्चन इज सेइंग दिस इज अ ग्लास स्लैब एंड इफ द लाइट रे फॉल लाइक दिस, ठीक है, इंसिडेंट रे ही ऐसे फॉल करे, देन व्हाट हैपेंस टू द पाथ ऑफ द रे इनसाइड द स्लैब. अब क्या होगा, लाइट रे सीधा आएगी, लाइट रे इधर को जाएगी या इधर को जाएगी, कैसे जाएगी या वापस चली जाएगी, बताओ बेटा. व्हेन द लाइट रेज फॉल परपेंडिकुलरली ऑन एनी सरफेस इट विल नॉट बेंड. ठीक है, आपको एक एक्सपेरिमेंट और भी दिखाना था मैंने, ये देखो.
आपको लाइट रे अंदर पानी में दिख रही है? थोड़ी सी तो दिख रही है, मुझे दिख रहा है वीडियो में, दिख तो रही है थोड़ी बहुत, अभी देखना। यस ठीक है, ये देखो आपको कर्व्ड भी दिख रही होगी, थोड़ी सी बेंड दिख रही है लाइट रे। यस अब ये परपेंडिकुलर है, जस्ट इट, ये थोड़ा सा ना एक्चुअली मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है। देखो अगर ये लाइट रे परपेंडिकुलर होगी तो अभी क्या होगा? इज इट बेंडिंग? नो। आप इसे पेंसिल भी डालकर देखो, अगर आप इसके अंदर सीधा पेंसिल को डालते हो बिल्कुल सीधा, तो क्या ये बेंड हो रही है? बेंड नहीं हो रही। ठीक है, क्यों बेंड नहीं हो रही है? क्योंकि इट इज पासिंग स्ट्रेट, सीधा निकल जाएगी। तो सर फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा आपका? कंटिन्यूस इन स्ट्रेट लाइन, कंटिन्यूस इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो वो स्ट्रेट लाइन, जब लाइंस लाइट रे स्ट्रेट है तो उसकी मूवमेंट भी क्या रहेगी? स्ट्रेट ही रहेगी, इट विल नॉट बेंड एट ऑल, ये रास्ता नहीं लेगी वो, इट विल मूव स्ट्रेट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स। व्हेन अ लाइट रे एंटर्स वाटर फ्रॉम एयर, इट स्लोज डाउन एंड बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इज इट ट्रू और फॉल्स? सोच लो, एयर टू वाटर जा रही है बेटा, एंटर्स वाटर फ्रॉम एयर, वाटर में एंटर कर रही है फ्रॉम एयर, फॉल्स। हाँ, एयर से वाटर में जा रही है ये नॉर्मल, तो इट बेंड नॉर्मल, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, एक पार्ट ठीक था इसमें, इट स्लोज डाउन, ये पार्ट राइट था, बट इसके आगे जब ये लिख दिया गया एंड बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दिस पार्ट इज रॉन्ग, राइट? नेक्स्ट रीजन, रिफ्रैक्शन अकर्स बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर इन एयर देन इन वॉटर, इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू, ट्रू। स्पीड ऑफ लाइट अभी हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन एयर देन इन वॉटर, राइट? सेवेंथ क्वेश्चन, डिस्पर्शन ऑफ लाइट कैन अकर व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास स्लैब। हाँ, डिस्पर्शन क्या होती है बेटा? ब्रेकिंग डाउन, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स, जब एक व्हाइट लाइट से डिफरेंट कलर मिल जाते हैं तो वो होती है डिस्पर्शन, जैसे कि रेनबो, रेनबो इज एग्जाम्पल, यू कैन टेक सनलाइट जब फॉल करती है रेन ड्रॉप्स के ऊपर तो वो रेनबो बनाती है, वो एक फिनोमिना है पूरा, वो आपके सिलेबस में नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या, व्हाइट लाइट स्प्लिट हुई इंटू डिफरेंट कलर्स जिसके कारण रेनबो की फॉर्मेशन होती है, दो सेवन कलर्स, दैट फिनोमिना, उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, सो डिस्पर्शन ऑफ लाइट कैन अकर व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास स्लैब। False. क्या आना चाहिए? Prism. Dispersion is caused by the fact that different colors of light have different speeds in the glass, which results in their bending by varying amounts. True. Red color की अलग speed होती है, blue की अलग speed है, green की अलग speed है, जब वो अलग अलग हो गए फिर वो अपने अपने हिसाब से bend हो जाएंगे, इसीलिए वो कलर सेपरेट हो जाते हैं। ये ट्रू है, assertion false, reason true. Now eighth question, dispersion is, फटाफट से बता दो इसका आंसर, एक दो क्वेश्चन करते हैं बस, दैट्स इट। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ठीक है, बी इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन। हां जी बेटा, बी। व्हाट हैपेंस टू अ रे ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू अ प्रिज्म? Direction due to refraction. देखा हमने, इसकी बेंडिंग हो जाती है जब ग्लास प्रिज्म से आती है तो वो क्या हो जाती है, लाइट रे बेंड हो जाती है, और क्यों हो रहा है ये भी? रिफ्रैक्शन के कारण। विच कलर ऑफ लाइट एक्सपीरियंस द लीस्ट डेविएशन व्हेन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म? रेड।
रेड देखो तो रेड सबसे ऊपर होता है और जो वॉयलेट होता है सबसे नीचे, तो सबसे कम बेंडिंग किसमें हुई, रेड में या वॉयलेट में? रेड में. द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज नोन एज. अभी किया डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन अभी अभी समझाया, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है. चलो बस कल करें फिर आगे. चलिए दैट इज ऑल फॉर टुडे. अब आपका थोड़े से क्वेश्चंस एंड ह्यूमन आएगा टॉपिक रह गया, दैट वी विल कवर टुमारो. ठीक है बच्चे? ओके बेटा ठीक है. ये कर दो. मेरे को पानी लाके देना, ये मिक्स मुक्स हो गए सारे पानी में.